वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आया हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे झीलों की नगरी, तालाबों की नगरी, मंदिरों की नगरी और महलों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों चलिए चलते हैं, आपको आज भोपाल शहर के बारे में बताएंगे। दोस्तों भोपाल बहुत ही खूबसूरत शहर है, इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि एक बार भोपाल ज़रूर घूमना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भोपाल घूमने लायक है। यहाँ पर आपको झील, बहुत सारी झीलें देखेंगी आपको। यहाँ पर संचार नाला है, सतपुड़ा भवन, ये रविंद्र भवन, यहाँ तक कि CM हाउस। आप सभी को पता है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसीलिए राजधानी है क्योंकि इसे नवाबों का शहर कहा जाता है, सपनों का। दोस्तों अगर भोपाल के सुंदर जगह की बात कर लेते हैं, जैसे कि बिरला मंदिर, इंदिरा गांधी संग्रहालय, ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, गोहर महल, केरवा डैम, भोपाल लेक, जिसे राजा भोज ताल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों भोपाल बहुत ही खूबसूरत शहर है, यहाँ पर घूमने के लिए लाखों पर्यटक आते रहते हैं। दोस्तों अब भोपाल शहर की हम स्ट्रीट फूड की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या प्रसिद्ध है। दोस्तों तो दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं स्ट्रीट फूड की ओर। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वहाँ पर मावा बाटी ज़्यादातर मिलती है भोपाल में, और दाल बाटी, कचौड़ी, दही लस्सी वगैरह, ये स्ट्रीट फूड में भोपाल की सबसे फेमस है, स्ट्रीट फूड है दोस्तों, अगर खाना चाहते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भोपाल में सबसे ज़्यादा मशहूर क्या है। दोस्तों तो हम बात कर लेते हैं भोपाल के सबसे मशहूर बात, मशहूर चीज़ की। तो दोस्तों भोपाल में पान पूरे देश में मशहूर है, भोपाली पान जिसे कहते हैं। दोस्तों भोपाली पान पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिसे खाने के लिए विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अमीर आदमी की। भोपाल शहर में सबसे अमीर आदमी कौन है दोस्तों? तो भोपाल शहर का सबसे अमीर आदमी जो है वो दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के मालिक सूरवंशी, जिसे दिलीप सूरवंशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इनकी जो अगर संपत्ति की बात की जाए तो इनकी कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए। भोपाल में सबसे ज़्यादा अमीर खानदान से लोग बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो भोपाल शहर के लोग कैसे हैं? तो दोस्तों भोपाल शहर के जो व्यक्ति हैं दोस्तों बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। चलते हैं भोपाल की प्रसिद्धि के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों चलिए, भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई छोटे बड़े तालाब हैं। आप सभी को पता है भोपाल इसी वजह से प्रसिद्ध है, तालाबों के लिए। तो दोस्तों और हम बात कर लेते हैं भोपाल और दूसरे फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों तो यहाँ पर जब 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, तब से भोपाल शहर और प्रसिद्ध है। देश दुनिया में उसने ख्याति प्राप्त की है दोस्तों भोपाल शहर ने। मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर और सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जिसे मध्य प्रदेश की राजधानी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, दोस्तों अगर आप कोई भी शहर घूमना चाहते हैं तो सबसे आगे भोपाल शहर घूमिए, क्योंकि भोपाल शहर में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। सबसे प्रसिद्ध जगह वहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, सबसे प्रसिद्ध जगह जो है भोपाल का लेक है, केरवा डैम है और सैर सपाटा है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसे घूमने के लिए आपको 3 दिन का समय लगता है। अगर आप भोपाल में 3 दिन रुक लेते हैं तो आप पूरे स्थान घूम सकते हैं, पूरे भोपाल की। कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, कम कॉस्टली है, लेकिन आप एक बार जरूर भोपाल शहर आइए और विजिट करिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, हम आपको पूरा भोपाल शहर घुमाते हैं। आप बने रहना वीडियो में, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, आपको हम आज पूरा भोपाल शहर विजिट करवाएंगे। Thank you.
आप कुछ ब्लॉग के माध्यम से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आप कुछ ब्लॉग के माध्यम से विजिट करवाया। दोस्तों आपको भोपाल शहर का ब्लॉग कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।